नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। नजर डालते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। कोरोना काल में आपने बदहाली की कई तस्वीरें देखी होंगी, चाहे वो इंसान हो या व्यापार। कोरोना ने हर किसी को गहरे घाव दिए हैं, लेकिन कोरोना का एक सकारात्मक पहलू भी है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना काल में मजदूरों के घर लौट जाने के बाद छोटे व्यापारियों ने जेल में बंद कैदी और आरोपी पर भरोसा जताया, जिसकी वजह से जेल में बंद लोगों को न सिर्फ रोजगार मिला बल्कि जीवन जीने की नई राह भी दिखाई है। कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व में लॉकडाउन लगाया और उसकी वजह से मंदी का दौर आ गया, लेकिन अगर हम जिला गौतम बुद्ध नगर जेल की बात करें तो यहां के बंदियों द्वारा तैयार किए गए माल से बाहर के व्यापारियों के लिए एक अवसर मिला है दोबारा से, और इन बंदियों को भी एक हुनर सीखने को मिला है। जेल का जिक्र जब कभी भी जहन में आता है तो एक बेकार सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। ख्याल यही आता है कि जेल जाने वाला शख्स सुधरता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। जेल में बुरे लोगों की संगत में वो अपराध के दलदल में और धंसता जाता है। लेकिन आज हम आपकी ये भ्रांति तोड़ने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा की लुक्सर जेल में बंद इस आरोपी का नाम रजनेश है। रजनेश पर संगीन आरोप है, जेल में ये बढ़ई का काम कर रहा है। इसे एहसास हो गया है कि गलत संगत में फंसने की वजह से ये रास्ता भटक गया था, अब यहाँ से निकलने के बाद ये सही रास्ते पर चलेगा। जी, जेल में काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। हम तो ये सोच रहे हैं कि बाहर निकलने के बाद ये काम करें, कोई गलत काम नहीं करें। अच्छा। हाँ। दरअसल कोरोना काल में छोटे व्यापारियों के काम पर बुरा असर पड़ा था। कारीगरों के वापस नहीं लौटने की वजह से व्यापारियों ने जेल में बंद लोगों से काम कराने का फैसला किया, जिसकी वजह से मोहित और संजय नाम के इन आरोपियों को भी काम सीखने का मौका मिला। लुक्सर जेल में बंद कैदियों को पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत काम सिखाया जाता है। इच्छुक बंदी कढ़ाई बुनाई, मास्क बनाना, बढ़ई का काम करना और मूर्ति बनाने जैसे काम यहाँ पर सीख रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर, किसी का ऐसी कैसे लेते हैं, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक काम का टाइम पास जाता है, बहुत काम कर लेते हैं। अच्छा। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों को अपने काम का सर्टिफिकेट दिया जाता है ताकि वो बाहर जाकर खुद का रोजगार कर सकें। इस तरह की शुरुआत के बाद कैदियों का मानसिक संतुलन भी बना रहता है। छोटे व्यापारियों के भरोसे के बाद अरविंद कुमार और मनीष जैसे कैदी यहाँ मास्क और महिलाओं के कपड़े बनाना सीख रहे हैं। जेल प्रशासन को छोटे व्यापारी लगातार संपर्क कर रहे हैं। ज्यादातर व्यापारियों के सामान की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि कुछ व्यापारियों के सामान पर जेल के कैदी काम कर रहे हैं। एक मास्क बनाने के लिए ₹2.25 कैदियों को दिए जाते हैं। खास बात यह है कि जिन कैदियों का कोई परोकार नहीं है वो इन्हीं पैसे से अपना केस भी लड़ते हैं। ये शुरुआत एक अच्छी पहल है। जेल के साथ साथ कैदियों को भी उम्मीद है कि उन्हें आने वाले वक्त में और काम मिलेगा, जिससे सही राह पर चलने का उनका फैसला और भी मजबूत रहेगा। देखिए, कोरोना या COVID-19 का जो काल शुरू हुआ है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, और मार्केट में देखने में लगता है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अब सारी अंडर गारमेंट बनाने वाली, जींस बनाने वाली कंपनियां मास्क बनाने लगी हैं, तो एक बार लगता था कि मास्क का काम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी अभी मास्क काम ख़त्म नहीं हुआ और ये चलता रहेगा। तो इस बीच ये इंटरप्राइजेज ने हमारे जेलर साहब से संपर्क किया, तो हम लोगों ने सर स्वीकार कर लिया उनके ऑफर को। ये जो मास्क है वो ये इंटरप्राइजेज का है और ये ₹20 उसकी कीमत बताते हैं, जिसपे वो ₹2.25 हमारे बंदी भाइयों को, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल 100% उनका है। दरअसल ये जो हमारा जो पूरा कंसेप्ट है ये जॉब वर्क आधारित है, कि कच्चा माल वो देंगे और कटिंग करके दे रहे हैं, सिर्फ स्टिचिंग का काम यहाँ पर हो रहा है और स्टिचिंग मार्केट रेट के हिसाब से ही हमने कहा है, तो ₹24 प्रति कुर्ती दे रहे हैं। ₹2.25 जो ₹20 का एक मास्क है उसमें ₹2.25 हमारे लेबर चार्ज प्रति मास्क दे रहे हैं, वो सिर्फ हम लोगों को सिर्फ लेबर चार्ज दे रहे हैं और बाकी जो है वो अपना कटिंग करते हैं और सेल भी करना उन्हीं का काम है, वो अपने सेल। कोरोना वायरस की वजह से जो मंदी का दौर चल रहा था उसमें ये बंदी जो है अपना हुनर सीख कर बाहर जाएंगे और अपराध की जगत से वो वापस एक मानवता वाली जिंदगी जिएंगे और अपने परिवार के लिए एक सुखद जिंदगी की तैयारी में लग जाएंगे। अंशुमय यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।